जिन दोस्तों मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अतुल टेक बाजार में। दोस्तों 25K से 35K तक की तगड़ी 4 5G डिवाइस हमारे पास में रिसेंटली लॉन्च हुआ Realme GT6 5G डिवाइस, Realme GT60 5G डिवाइस, Poco F6 5G डिवाइस और कुछ समय पहले लॉन्च हुआ Poco X6 Pro 5G डिवाइस। ये चारों ही डिवाइस काफी तगड़ी 5G डिवाइस है और चारों ही डिवाइस के रिगार्डिंग डीप रिव्यू हमने बना चुका है चैनल पे एंड स्क्रीन पे, आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। वैसे दोस्तों यहाँ पे चारों ही डिवाइस के रिगार्डिंग हम स्पीड टेस्ट एंटीटू बेंचमार्क टेस्ट लेके आ गए हैं और यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें GT6 5G डिवाइस में रिसेंटली लॉन्च हुआ स्नैपड्रैगन 8s जेन 3 वाला प्रोसेसर मिलता है। GT60 5G डिवाइस में रिसेंटली लॉन्च हुआ स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन 3 वाला प्रोसेसर मिलता है। Poco F6 में भी स्नैपड्रैगन 8s जेन 3 वाला प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है और कुछ समय पहले लॉन्च हुआ है Poco X6 Pro 5G डिवाइस में Dimensity 8300 अल्ट्रा वाला प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है। ये काफी जबरदस्त प्रोसेसर है, 4nm ऑक्टाकोर प्रोसेसर है सारे के सारे। और यहाँ पे दोस्तों चेकआउट करते हैं सबसे ज्यादा इसके बेंचमार्क स्कोर किस डिवाइस का मिलता है। दोस्तों चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो भाई जितने भी डिवाइस में अंतितु बेंचमार्क स्कोर हम रन कर रहे हैं, सारी डिवाइस में अंतितु बेंचमार्क स्कोर का जो वर्जन है वो सेम ही है, 3D बेंचमार्क स्कोर भी सेम ही यहाँ पे रन कर रहे हैं। और यहाँ पे स्पीड आप देख सकते हो सबसे ज्यादा आगे जो है वो सबसे पहले डिवाइस रखी है रियलमी GT6 यानी कि, और उसके बाद रियलमी GT60। तो भैया जो डिवाइस सबसे ज्यादा फास्ट अंतितु बेंचमार्क स्कोर पहले रन करती है उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो डिवाइस फास्ट है। तो यहाँ पे रियलमी की जो GT60 डिवाइस और Poco F6 है, ये सारे के सारे तीनों जो डिवाइस है ये काफी फास्ट डिवाइस है। थोड़ा सा यहाँ पे पीछे चल रहा है Dimensity 8300 अल्ट्रा वाला प्रोसेसर क्योंकि Poco X6 Pro 5G डिवाइस में प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे दोस्तों हमने फास्ट फॉरवर्ड भी किया हुआ है वीडियो को, इसलिए फटाफट से स्कोर फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले Realme GT6 का स्कोर आता है, GT60 का सेकंड और Poco F6 एंड देन X6 Pro का यहाँ पे स्कोर प्रोवाइड किया गया है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे फोकस करते हैं सबसे ज्यादा स्कोर वाले डिवाइस में। आप देख सकते हो Realme GT6 डिवाइस का 15,37,000 के आसपास एंटीटू बेंचमार्क स्कोर देखने को मिलता है और सीपीयू जीपीयू स्कोर भी आप देख सकते हो काफी तगड़े स्कोर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पे नंबर आता है भाई Poco F6 5G डिवाइस का और इसका एंटीटू बेंचमार्क स्कोर 14,54,000 के आसपास चला जाता है। देन यहाँ पे भी आपको सीपीयू जीपीयू स्कोर तगड़े देखने को मिलते हैं। थर्ड में यहाँ पे रियलमी GT60 5G डिवाइस है, 14,46,000 के आसपास एंटीटू बेंचमार्क स्कोर मिलता है। और लास्टली यहाँ पे Poco X6 Pro 5G डिवाइस का एंटीटू बेंचमार्क स्कोर मिलता है 14,41,000 के आसपास। तो यहाँ पे दोस्तों अभी तक अगर हम देखें तो सबसे कम कीमत जो है वो Poco X6 Pro 5G डिवाइस की है, 25,000-26,000 रुपए के आसपास ये तगड़ी डिवाइस मार्केट में अवेलेबल है। देन इसके बाद Poco F6 और Realme GT60 का नंबर आता है और Realme GT6 जो डिवाइस है ये इन चारों डिवाइस में सबसे कॉस्टली डिवाइस है। वैसे फीचर भी यहाँ पे काफ़ी तगड़े हैं, चार्जिंग स्पीड भी काफ़ी तगड़ी 120 वाट की चार्जिंग GT6 डिवाइस में मिलती है और प्रोसेसर भी तगड़े मिलते हैं। ओवरऑल चारों ही डिवाइस अपनी अपनी प्राइस कैटेगरी के हिसाब से काफ़ी बेस्ट डिवाइस है। वैसे कैमरा यहाँ पे रियलमी GT60 डिवाइस का थोड़ा सा बेहतर मिलता है। ओवरऑल Poco F6 को भी देखें तो काफ़ी बढ़िया कॉम्बिनेशन के साथ में Poco ने डिवाइस मार्केट में उतारी है। चारों डिवाइस का डीप वीडियो एंड स्क्रीन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। फिर डिवाइस के रिगार्डिंग अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा है सिंपली आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बोलते रहिए वंदे मातरम।